फिल्म है जो एक्चुअली अंदर से बनाना चाह रहा हूँ, जो कुछ अलग हो। और तब मैंने सोचा कि पीरियड में मेरे पास एक कहानी थी बहुत पहले से, पीरियड 1920 में, एक भूत की कहानी। उसमें क्या है, रोमांस भी है और अपने किस्म से एक डराती भी है और टच भी करती है इमोशन। फिल्म की कास्ट एक्चुअली दो नए चेहरे हैं, रजनीश तुगल और अदा शर्मा। रजनीश रेमंड्स के मॉडल भी रहे हैं, मिस्टर ग्रासम भी रहे हैं, मिस्टर इंटरनेशनल भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा चांस मिला है मेरे को और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया मेरे को काम करके रिपोर्टिंग के साथ। पूरा क्रू बहुत ही अच्छा रहा और इंशाल्लाह फिल्म भी बहुत अच्छी चलेगी। और अदा जो है वो एक ट्रेन डांसर और थिएटर पर्सन है, तो ग्रेट फॉर हर। डेब्यू फिल्म है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डेब्यू फिल्म में पीरियड फिल्म मिला। आई थिंक हर एक एक्ट्रेस का ड्रीम होता है कि वो डेब्यू करे अच्छे फिल्म के साथ और लाइफ में एटलीस्ट एक बार पीरियड फिल्म करे, तो मुझे वो पहले फिल्म में ही मिला। बस साधारण लड़की हूँ लेकिन मिस्ट्री जो है वो मेरे हाथ में। मैं एक हिंदू लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो एक आर्किटेक्ट है, जो कैसे इसकी स्ट्रगल पूरी फैमिली के साथ होती है, फिर मतलब आगे जाके कैसे एक हॉरर स्टोरी में ये तब्दील होती है और उसके बाद कैसे ये लोग उससे निकलते हैं, सारी स्टोरी इसी के आसपास है। और मेरा मेन कैरेक्टर है जो कि कैसे भूत को बेसिकली बढ़ाते हैं, वो सब चल रहा है। स्टोरी लव स्टोरी है, आई वुड से आउट एंड आउट लव स्टोरी है। और आपने ऐसी लव दुनिया में आई डोंट नो, मैंने तो देखी नहीं है, क्योंकि लोग आई लव यू ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जब सब कुछ सब खुश है और सब अच्छा चल रहा है लाइफ में। पर प्रॉब्लम तभी आता है जब कोई बीमार हो या लड़की की खूबसूरती चली जाए और फिर अगर लड़का बोल सकता है कि यू नो आई स्टिल लव हर ऑल दैट मच, I think that's true love. सुनने वाले आज के हैं पिक्चर 1920 की, तो कैसे दोनों चीज को साथ में मिलाया जाए ये सोचा जा रहा था अदनान और मैंने। हमने ये सोचा कि एक मॉडर्न स्कोर पे एक टाइमलेस म्यूज़िक का अगर फील हो तो दोनों का एक जो फ्यूजन म्यूज़िक होता है, जो मिश्रण बन के एक कमाल का एक नया म्यूज़िक बन सकता है। तो इसलिए हमने मॉडर्न स्कोर पे पंडित जसराज जी हैं, शुभा मुदगल जी हैं, कैलाश के हैं, आशा जी हैं, उनसे गाने गवाएँ, तमीना सुल्तान जी, तो एक एवरग्रीन आवाज़ हैं और एक मॉडर्न स्कोर। हम इस फिल्म में सबसे ज़्यादा हाईलाइट म्यूज़िक को करने वाले हैं, क्योंकि म्यूज़िक इस फिल्म का हीरो है। हमारे पास कोई स्टार नहीं है, हमारे पास कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं है, हम इस बार टेक्नीशियंस की बैटल है, टेक्नीशियंस की लड़ाई है। और जितने टेक्नीशियंस हैं, चाहे डायरेक्टर हो, एडिटर हो, प्रोड्यूसर हो, सब लोग जी जान से मेहनत किए हैं एक अच्छी फिल्म पब्लिक को देने के लिए। उसके लिए अदनान ने, मैंने, सब ने अपनी पूरी कोशिश की है, तो ये इस फिल्म की सबसे खास बात है। Watch more, log on to www.erosentertainment.com.